दोस्तों, अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं मगर आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं थोड़े बहुत पैसे हैं आपके पास, या फिर आप लाख, दो लाख, पाँच लाख, दस लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पैसों को काम पर लगाना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आपको निर्णय लेने में परेशानी आ रही है, तो मेरा आपसे यही कहना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी वाक्य मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बिजनेस को पांच भागों में विभाजित किया है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझने में ये आसानी होगी कि कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइत एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की आल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक वाक्य और कहना चाहता हूँ कि अगर आप एमटेक चैनल पर विजिट करते हैं और आपको नहीं मालूम, तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि मेरा दूसरा चैनल करेक्ट बिजनेस पॉइंट है, जहाँ आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे जो आपके बिजनेस के लिए सहायक हो सकते हैं, तो विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिजनेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद कैसे व्यापार में कदम रखा, कैसे एक सोच को व्यापार में तब्दील कर दिया, और उसे कैसे एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, प्रतीक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब बाहर निकला तो वो औरों की तरह जॉब करना नहीं चाहता था, वो बिजनेस करना चाहता था, वो औरों से हटकर बिजनेस करना चाहता था, क्योंकि मार्केट में पहले से ही हर तरह के व्यापार मौजूद थे, और इसी वजह से वो असमंजस में रहता था, वो कंफ्यूज हो रहा था कि वो आखिर कौन सा बिजनेस करे। एक दिन वो मुंबई लोकल ट्रेन से धक्के खाते हुए घर वापस आ रहा था, अचानक उसने देखा कि बारिश की वजह से लोग छतरियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो छतरियां काले या हल्के रंगों की हैं। उसने सोचा, लोग काले या हल्के रंगों की छतरियां क्यों इस्तेमाल करते हैं, अदर प्रिंटेड छतरियां क्यों इस्तेमाल नहीं करते। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना लोगों को कलरफुल और प्रिंटेड छतरियां उपलब्ध कराई जाए, भारत के लोगों को शायद बहुत पसंद आए। और उसके मन में ये विचार आते ही वो बहुत खुश हो गया। घर जैसे ही वापस पहुंचा, घर वालों के सामने इसी बात को उसने कहा कि मैं छतरी का बिजनेस करना चाहता हूं, और बदले में घर से उन्हें सुनने को मिला कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद तू छतरी का बिजनेस करेगा। बेचारा थोड़ा सा मायूस हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने इस काम में हाथ डाल दिया। वो डिज़ाइनर के पास जाकर छतरी के डिज़ाइन तैयार करवाने लगा, और उसके बाद उसे लेकर पब्लिशर के पास गया। पहले पब्लिशर ने कहा, भारत में ये नहीं चलने वाला। दूसरे ने कहा, इस डिज़ाइन में दम नहीं है। तीसरे ने कुछ और कहा, चौथे ने कुछ और कहा, 11 लोगों ने उसे मना कर दिया। लेकिन जब कुछ कर गुजरने की जुनून हो सर पे, और अगर आप हार मानने को तैयार ना हो, तो रास्ते जरूर निकलते हैं। वो 12वें पब्लिशर के पास गया, और उस पब्लिशर ने उसके डिज़ाइन को देखा तो उसे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, और फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, 6 महीने के अंतराल में मात्र 800, जी हाँ, 6 महीने के अंतराल में मात्र 800 छतरी बिके। थोड़ी सी मायूसी हुई प्रतीक को, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे सलाह दिया कि तू अपने छतरी को ऑनलाइन मार्केट में बेचना शुरू कर। प्रतीक को भी शायद ये बात समझ में आया, वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, शायद मुझे ऑनलाइन में इसका रिजल्ट मिल जाए। और उसने अमेज़न पे छतरी को भेजना शुरू किया, लेकिन उसे डर लग रहा था कि अगर उसकी छतरी नहीं बिकी तो लोग क्या कहेंगे, और इसी वजह से उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी कम से कम आप एक छतरी खरीद लीजिए, क्योंकि कल की तारीख में अगर मेरा बिजनेस फेल हो जाए तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि ऑनलाइन मार्केट में तेरा एक भी छतरी नहीं बिका। दोस्तों, वो मेहनत करना चाहता था, वो जी जान लड़ा के छतरी के बिजनेस को ऊपर पहुंचाना चाहता था, वो 18-18 घंटे कार्य करता था। इसी मामले में प्रतीक दोषी कहते हैं कि जैसे रावण के 10 सिर थे, इसी तरह से मेरे भी 10 सर थे, एक डिजाइनिंग में, दूसरा मार्केटिंग में, और हर तरह के काम को वो खुद किया करता था। और जैसे ही उन्होंने अपनी छतरी को अमेज़न में भेजना शुरू किया, चमत्कार हो गया। ऑनलाइन मार्केट में छतरी बेचने वालों की सूची में बेस्ट सेलर में उसका नाम आने लग गया केवल 2 सप्ताह में। और इस तरह मिस्टर प्रतीक दोषी एक छोटे से आइडिया को
एक बड़े बिजनेस में तब्दील कर पाए, एक मल्टी मिलेनियर बिजनेस में बदल पाए और वो भारत के सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, किसी भी बिजनेस को विस्तृत रूप देने के लिए प्रतीक दोषी की तरह जुनून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धुंधला चश्मा लगाकर कभी गाड़ी स्पीड में चलाया नहीं जा सकता, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सफर की दूरी को मापने के बाद ईंधन को मापना जरूरी होता है, क्योंकि गाड़ी कहीं भी खड़ी हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए किसी भी व्यापार में हाथ डालने से पहले पेन पेपर लीजिए, होमवर्क कीजिए, अपने आप से इन सवालों का जवाब तलाश कीजिए और पहले उसे अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सफलता के लिए जब व्यापार में परेशानियों और चैलेंजेस से आपका सामना होगा तो यही कारण, यही वजह आपको मोटिवेट करेगा, आंतरिक शक्ति या ऊर्जा प्रदान करेगा। व्यापार से आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, अगर ये बात क्लियर है तो कभी नेगेटिव बातें आपको हिम्मत हारने भी नहीं देगी, आपका जोश कभी ठंडा नहीं होगा। ये बात आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग देखा देखी में बिजनेस तो शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 90% तक लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में कदम रखने से पहले अगर अपने रिक्वायरमेंट को समझ लें तो सही बिजनेस को चुनना और भी आसान हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन साल, दो साल, पांच साल बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत बिजनेस का चुनाव कर लिया। इसलिए सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो आपने कारण तलाश कर लिया, अब बिजनेस की बात करते हैं। व्यापार को 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला, बिना पैसे का बिजनेस। पहली बात, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लोग जॉब की तलाश करते हैं। सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छी कंपनी में क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर ये संभव नहीं तो एक और बेस्ट तरीका, अगर आपका सपना आपकी ईगो से बड़ा हो, या ये कहें कि अपने करियर का निर्माण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो बात ये है कि आपकी रुचि जिस व्यवसाय को करने में है लेकिन अनुभव नहीं है, तो 6 माह, 1 साल के लिए ऐसे ही किसी शॉप में काम कर लीजिए। आपके पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे और काफी कुछ जानकारी मिल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसा करने को तैयार हो तो याद रखें, जिस व्यक्ति के पास काम करना चाहते हैं उसे भूल कर भी कभी ये मत कहना कि कुछ समय बाद मैं भी ऐसा ही शॉप खोलने जा रहा हूँ, वरना गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, आज हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, या फिर आप क्रिएटर बन जाएं, दिखाने वाले बन जाएं, लोगों के ध्यान को अपने वेबसाइट और अपने चैनल की ओर आकर्षित कीजिए और मोबाइल को काम पर लगाइए, जो आपके पैसा कमाने का साधन बन सकता है। आप ऑनलाइन काम कुछ दिनों में सीख कर पैसा कमा सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग करना, वेबसाइट बनाना, फ्रीलांसर बनना, यूट्यूब पर चैनल बनाकर पैसा कमाना, ट्रांसलेटर बनकर, एफिलिएट मार्केटिंग करके, ब्लॉगर बनकर, आदि बहुत सारे तरीके हैं जिसका उपयोग करके अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत के कम 6 माह मानकर चलिए, आपको उसे सीखने में लगाना होगा। सीखते जाइए, करते जाइए, एक दिन आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ये काम पसंद नहीं है और तुरंत कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, मजबूरी के हिसाब से बिजनेस। ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, अनुभव की कमी है, बड़ा रिस्क लेने में डर लगता है, तुरंत आमदनी की शुरुआत होने की चाहत रखते हैं, तो अपने ईगो और क्वालिफिकेशन से समझौता कीजिए। आपको केवल फास्ट बिकने वाले वस्तु की शॉप खोलनी चाहिए, जो बहुत ही कम पैसों में शुरू हो जाता है, जैसे कि किराना स्टोर, पान की दुकान, चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, मार्केट में सब्जी बेचना आदि। ऐसे बहुत से काम हैं जिसे 5-10 हजार के अंदर शुरू किया जा सकता है। अगर आप नजर डालेंगे तो आपको आपके आसपास ऐसे और भी कई विकल्प नजर आएंगे जो तुरंत इनकम उपलब्ध करवा सकते हैं। 2-4 साल जमकर मेहनत कीजिए, जब थोड़ा पैसा कुछ करने लायक जमा हो जाए तो आप उस बिजनेस को बड़ा आकार दे दीजिए, या फिर अपने मन पसंद किसी अन्य अच्छे बिजनेस में परिवर्तित कर दीजिए, जैसे होलसेल, डीलरशिप, स्टॉकिश, शोरूम, शॉपिंग मॉल आदि में। अर्थात मजबूरी के बिजनेस को छोड़कर मर्जी का बिजनेस चुन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मर्जी के हिसाब से बिजनेस का चुनाव। आपके पास पैसा है और आप 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगाकर अपनी इच्छा और मर्जी के हिसाब से जिसमें आपको रुचि हो, सबसे पहले उनका सूची बनाएं, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है मार्केट की जानकारी लेना, सर्च करना कौन सा स्थान उस व्यापार के लिए सही होगा जो आप करना चाहते हैं, या अगर आपने जगह का चुनाव कर लिया है
तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट के उस एरिया में किस चीज का रिक्वायरमेंट है, कौन सा बिजनेस चल सकता है। फिर जो व्यवसाय सेलेक्ट करें उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी एकत्र करना, साथ ही हो सके तो किसी जानकार व्यक्ति को काम पर कुछ दिन के लिए हायर करना। इस तरह से आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, अपने पैसों को काम पर लगाइए। अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो पैसे को काम पर लगाइए। जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट आदि बहुत से इस दुनिया में ऐसे अमीर इंसान हैं जिन्होंने पैसों को अपने काम पर लगाया है, जैसे कि शेयर मार्केट। लेकिन इसमें रिस्क है। लॉन्ग टर्म्स के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह और देख रेख में करना ज्यादा उचित है। आज हर तरफ जमीन की कीमत केवल बढ़ते स्तर पर है, कभी कम नहीं हुआ, इसलिए जमीन की खरीदी बिक्री का काम किया जा सकता है। इसके अलावा रेंट पर मकान या जमीन देना, ब्याज पर पैसा देना, वाहन रखकर किराए पर देना, एफडी जैसे वार्षिक या एकमुश्त एफडी में पैसा जमा करना, ऑटो पायलट बिजनेस स्टार्ट करना जहां पर आपका रहना जरूरी ना हो, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि बिजनेस चल रहे हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहां आप पैसों को काम पर लगाकर पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 5, रॉयल्टी इनकम बिजनेस। इसी में पहला है नेटवर्क मार्केट। इस व्यापार में लागत चाय की टपरी के बराबर होता है, लेकिन पैसा और समय अपने एजुकेशन और वर्क एरिया को कवर करने में इन्वेस्ट करना पड़ता है। कुछ समय के बाद इनकम स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो करके लाखों और करोड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य, जुनून और जबरदस्त आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमेशा निगेटिव माहौल से सबसे ज्यादा सामना होता है। लहरों के विपरीत चलना पड़ता है, हवाओं के विरुद्ध कदम बढ़ाना पड़ता है। लेकिन एक निश्चित लेवल तक व्यापार को खड़ा करने के बाद एक रॉयल्टी इनकम मिलता है, चाहे आप काम करें या ना करें। इसके अलावा सिंगर, साइंटिस्ट, राइटर आदि भी रॉयल्टी इनकम को प्राप्त करते हैं। काम एक बार करते हैं और इनकम उन्हें बार बार मिलते रहता है। अगर आप में भी कुछ ऐसा क्वालिटी, जोश, जज्बा या जुनून है तो आप भी सिंगर, लेखक या नेटवर्क मार्केटर बनकर पैसा कमा सकते हैं, इस तरह के इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। काम एक बार कीजिए और उसका इनकम बार बार हमेशा मिलते रहेगा। साथ ही समय का उपयोग बिना टेंशन के जिंदगी जीने में लगा सकते हैं। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, आप एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर एक प्रोफेशनल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जब तक आपके पॉलिसी चलते रहेंगे आपको कमीशन मिलते रहेगा, ये भी एक बढ़िया प्रोफेशनल बिजनेस है। दोस्तों दिल से एक लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप कौन सा व्यवसाय करते हैं या कौन सा व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, और साथ ही अपने यार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार को ये वीडियो अवश्य शेयर करें जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन डिसीजन लेने में असमर्थ हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।